गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 11 पोएट्री के पोयम 4 के बारे में, जिसका टाइटल है टू इंडिया माय नेटिव लैंड, जिसे लिखे हैं हेनरी एल डेरोजियो। तो आइए इस पोयम को पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने भारत के बारे में वर्णन किया है कि भूतकाल में भारत की संस्कृति साहित्य बहुत ही समृद्ध था, यह सौंदर्य से युक्त था और पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा होती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए और भारत को अपना गुलाम बना लिया, इसके बाद इसका सौंदर्य गौरव सब समाप्त हो गया। तो इसी से रिलेटेड यह पोयम है। तो इसको बेहतर से समझने के लिए आइए पोयम के माध्यम से समझते हैं। कवि कहता है, माय कंट्री, मेरे देश, इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, तुम्हारे बीते हुए, ग्लोरी मतलब प्रसिद्धि के दिनों में, अ ब्यूटियस, एक सुंदर, हालो मतलब आभा, सर्कल्ड राउंड दाई ब्रो, तुम्हारे माथे के चारों तरफ होती थी। मेरे देश, तेरे बीते हुए प्रसिद्धि के दिनों में एक सुंदर आभा तेरे माथे के चारों तरफ होती थी। वर्शिप्ड एज अ डाइटी दाउ वास्ट, वर्शिप्ड मतलब पूजा की जाती थी, डाइटी मतलब देवी के समान, दाउ मतलब तुम्हारी, वास्ट का मतलब हो जाएगा वाज से। तो कभी कहता है कि और तुझे एक देवी के समान पूजा जाता था। वेयर इज दैट ग्लोरी, वह तुम्हारी प्रसिद्धि कहाँ गई। वेयर दैट रेवरेंस नाउ, और वह तुम्हारी, रेवरेंस मतलब श्रद्धा, वह तुम्हारी श्रद्धा कहाँ गई। दाई ईगल पिनियन इज चेंड डाउन एट लास्ट, दाई मतलब तेरे चील के समान, पिनियन मतलब डैने, इज चेंड मतलब बांध दिए गए हैं, डाउन एट लास्ट अंत में तुम्हारे, चील के समान डैनों को बांध दिया गया है। एंड ग्रोलिंग, और तुम्हारी दशा बहुत ज्यादा, ग्रोलिंग मतलब दयनीय हो चुकी है, इन द लोली डस्ट आर्ट थाउ, और तुम धूल में मिल चुकी हो, अर्थात तुम विनीत भाव से धूल में पड़ी हुई हो। दाई मिंस्ट्रेल, तुम्हारे जो कवि हैं, जो भाट हैं, हायथ नो रेत, उनके पास कोई भी पुष्पाहार नहीं है, टू वी मतलब बुनने के लिए, फारदी मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बुनने के लिए उनके पास कोई पुष्पाहार नहीं है। सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई माइजरी, उनके पास केवल तुम्हारे सैड स्टोरी, दुख की कहानियां हैं, ऑफ दाई माइजरी मतलब तुम्हारे कष्ट की, उनके पास केवल तुम्हारे कष्ट के, दुख की कहानियां भरी हुई है। अंत में कभी खुद को सांत्वना देते हुए कहता है, वेल, खैर छोड़ो, लेट मी डाइव, मुझे गोता लगाने दो, इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम, समय की गहराई में, मुझे समय की गहराई में गोता लगाने दो, अर्थात मुझे उस अतीत में जाने दो। एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस, और वहां से उन युगों को लाने दो, दैट हैव रोल्ड, जो बीत चुके हैं, मुझे उन युगों को, उस समय को दोबारा लाने दो जो रोल्ड मतलब बीत चुके हैं, चले गए हैं। ए फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, उसमें से मुझे उन छोटे छोटे टुकड़ों को लाने दो, आप दोज रेक्स सबलाइम, सबलाइम का मतलब होता है अलौकिक या भव्य, मुझे उन भव्य छोटे छोटे टुकड़ों को लाने दो। अर्थात कवि के कहने का मतलब यही है कि उस समय में जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो तुम्हारी प्रसिद्धि थी, जो तुम्हारी भव्यता थी, उन सब चीजों को दोबारा मुझे लाने दो। विच ह्यूमन आईज मे नेवर मोर बिहोल्ड, जिसे मनुष्य की आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी, और अंत में कभी कहता है कि एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी, मेरे परिश्रम का वही इनाम होगा मेरे लिए। माई फॉलन कंट्री, हे मेरे पराजित देश, वन काइंड विश फ्रॉम दी, वन काइंड विश मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, काइंड विश मतलब दयालु शुभकामना। हे मेरे पराजित देश,
मेरे तरफ से तुम्हारे लिए दयालु शुभकामना।